जब आप हमारे साथ जुड़ी रही हैं, बातचीत सारी हो ही रही है, तो एक टेक ना आपका ये हिडलबर्ग की रिपोर्ट पे भी चाहिए। आपको पहले भी ध्यान है इस तरह की जब रिपोर्ट आई थी तब तो ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि रिपोर्ट पहली बार थी, सेंस नहीं हुआ, नुकसान ज़्यादा था। इस बार लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से इस रिपोर्ट को हाथों हाथ लिया, थोड़ा समझा भी, और इस बार आरोप सीधा ही सीधा एक बड़ी इंस्टीट्यूशन के हेड पर आ गया। ठीक, एक बार आपका टेक चाहिए सर, आप इसको कैसे देखते हैं जी और आपकी कैलकुलेशंस क्या हैं? यार, देखिए आप हिंडनबर्ग या ऐसे जो भी रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, ये सब एक रिसर्च के बेसिस पे रिपोर्ट आती हैं। तो इसका जो बेसिस होता है, कुछ एकदम फर्म रियलिटीज होती हैं ग्राउंड पर, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन एकदम मजबूत होते हैं उसके बेसिस पे उस निर्धारित होकर रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है। तो जो जैसे कि ये रिपोर्ट है, इसका जो बेसिस है अभी सब उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो सबूत इन्होंने पेश किए हैं वो इतने ठोस नहीं है, इतने स्ट्रांग नहीं है। तो आई थिंक ये रिपोर्ट अभी, इसकी बात आज हो रही है, मेरे हिसाब से और 2-4 दिनों में इसकी कोई बात भी नहीं करेगा, ये हिस्ट्री हो जाएगा। कुछ इसमें ज्यादा वो स्ट्रेंथ नहीं दिखी हम लोगों को। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे पास थोड़ा सा समय कम था, नहीं तो आपसी इंटेलिजेंस तो इतनी है कि लेते रहेंगे तो कम आपकी भी नहीं होगी और हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।